रंग महल के बीच में रानी हती एक से एक करे नारे आपस में वाला मन में करे विचार भयो ना काउ दुखिया के लाला करम कछ पिछले कर आई भुगत रही बाई के दाए और लाल कहाँ से होए लाल नहीं किस्मत में लिखवाए प्रथम के उठ रही एक संचित की आस शकल सभा के बीच शुरू होता है मंजा का वनवास बेवफा राजा वफादार रानी मेरी ढोला कहानी पे सोने जाती भैया आर के स्टूडियो कुरावली मुकेश भैया हमारे इस चैनल पर हमारी ढोला कहानी आती है देखें सब्सक्राइब करें बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे कंपनी मालिक साहब हमारे मामा रईस यादव प्रधान जी हथौड़ा निवासी बाजा मास्टर हमारे मामा वेदराम सिंह बरा के सब के रहने वाले और नक्काड़े पर हमारे श्यामवीर सिंह फूपा जी विष्णुपुरा के रहने वाले मंत्री कहो महाराज चलो आज हमारा विचार है शिकार खेलने चलेंगे महाराज मैं भी चलूंगा एक बात बताओ हाँ तुम किसकी शिकार खेलोगे क्षत्रिय हमेशा शिकार शेर की खेलते हैं तो महाराज मैं भी सवा शेर की खेलूंगा यह सवा शेर क्या होता है सवा शेर नहीं जानता क्या है बताओ जो महाराज पंचोत्र है और शेर क्या होता है शेर बनी का राजा होता है और सवा शेर दुकान का राजा होता है दुकान का राजा ना जानते समझ गए जब एक सवा कर दिया बालक साहब से कहना तसला झाड़ू लाता भैया मंत्री कहो राजा मास्टर साहब अरे हाथी रे बढ़ाए तो मेरे ढुलकिया ध्वज के अरे छैया हाथी रे बड़ा दो ढलकिया प्रथम अरे राजा ने और चलैया खेलन को जाय रहो पनी में शिकार प्रथम आगे रहे नजरिया मेरे मास्टर प्रथम हरदारी और आगे होता है कौन से मेरे बिरला का मंत्री हम तो अच्छी प्रकार भली भांति जा रहे थे हाँ महाराज और इस मार्ग में यह मेहतरानी देखो जात की झाड़ू लगा रही है मालिक साहब तसला झाड़ू ला दे अजब चूतिया वो कहलाए जो बिना मिर्च के पीते भंग अजब चूतिया वो कहलाए जो पर नारी के सोते संग अजब चूतिया वो कहलाए जो बिन भैया के रोप जंग
ढोलक आप ध्यान दैन की बात एक दिन गोप का भीलन में लूटी अरे हते बेयर जन बे दादा मंत्री कहो राजन देखो ये जात की मैत्रानी किस प्रकार से झाड़ू लगा रही थी हाँ और हमारा मुखारविंद देख करके ये क्या कर रही है कहिए क्या है जात की मेहतरानी झाड़ू लगा रही है और इसने मेरा मुखारविंद देख करके ऐसा क्यों किया है जाओ इसे पूछ करके आओ इसने मेरा मुखारविंद देख करके जमी पर झाड़ू मारा है पर यह शगुन मना रही है जाओ पूछ के आओ ए माता रानी उसमें आ जाओ समझ में आई हमसे कहते बड़ी भाभी वाल्मीकि प्रधान वाल्मीकि प्रधान महाराज के मंत्री है उन्होंने तुम्हारी बाल खाली खाने से फुस बात दे काना तेरे वाल्मीकि बड़ी भाभी जमा बड़ी भाभी वाल्मीकि वाल्मीकि यानी वाल्मीकि प्रधान प्रधान है तू हाँ है तो यार अच्छी है काय एक बात बता बोलो मेरे महाराज और मैं शिकार के लिए जा रहे थे तुमने मेरे महाराज को तीन बार जमीन में झाड़ी मार करके और पीछे मुंह फिर कर बैठ गए इसका क्या कारण है हे देवर जय बात मत पूछिए अगर जब बात हम तुम्हें बताएं तो तुम जा कहियो जो दो कौड़ी की मेहतरानी हमारे महाराज पे झूठो दोष आरोप लगा रही है क्यों ये बात मत पूछो बहुत गंभीर बात है क्यों क्यों हाँ गंभीर कैसी बात बताओ तो मैं मालूम हमें पता हो तो काहे के ना पूछे थे अगर ने मालूम तो सुनो देव जी घर के महाराज हैं इनके महलन में एक से एक रानी है और एक से एक रानी के बावजूद ये महाराज निर्वंशी है एक रानी ने कहा पुत्र के लिए जन्म ना दो और हम इनको मुंह देख लेती सवेरे सवेरे तो एक एक दिन का तीन तीन चार दिन अन्न प्राप्त न हो तो तुम कहते का बात जा बात सही कहा तू जो सारे महाराज के हम संग घुतरात तो खाना ही खाते हमें गजरत को हलवे रस होता में तो खाना तो बहुत दूर है हाँ देवर हट जा लग महाराज कहिए मैत्रा नहीं तारा बहुत ऊंचे नीचे बोलते क्या कहती है हमने भूजा हमने जा बता हमारे महाराज और मैं शिकार के लिए जा रहे थे तुमने तीन बार जमीन में झाड़ी मार करके पीछे मुंह फिर के बैठे इसका क्या कारण है पता महाराज में क्या करे क्या कहते तो मैं महाराज निर्वंशी है उनका मुंह देख लेती हूँ तो मुझे पंद्रह पंद्रह दिन तक अन्न प्राप्त नहीं होता निर्वंशी कहा महाराज मैत्रा नहीं कह रही हम धन कहते हैं मंत्री हो बात भोजन की है कि इनका मुखारविंद देखने से भोजन प्राप्त नहीं होता हाँ। जाओ आप हमारे राज दरबार के मंत्री हैं किसी बात की कोई कमी नहीं है उसे भरपूर जो भी खर्चा हो भेज देना और कल उसकी खबर लेना उसे भोजन प्राप्त हुआ या नहीं हुआ ठीक है जाइए महाराज हे माता रानी उसमें आ जाओ समझ भाई उसमें ना छे मैं बोलो एक बात बता हाँ तेरा खर्चा कितना आपका निवेट कितने कहीं हमारे खर्चा से तुम्हें का लेना देना अरे तुझे राशन देंगे अच्छा हाँ एक हमारे बे बे को जे कोला वाले ना हमारे घर से हाँ कौन थका ना हुआ नाम नहीं देती रही से आता वो ना अब तो आकाशा को भाई मेहनपुरी वाले डांसर को अच्छा वे तो ना आए उखरा वारे आए ना आए घरे आएंगे आए ना आए हाँ बे और अरे काम तुम अरे कमाल लड़का लड़का कौन सो आज बहु नहीं आओ आओ ना जिनेदार नामक हो तो आज आओ ही ना कदुआ फार
और एक साढ़े तीन महीना को। साढ़े तीन महीना हो, तीन सबके होत, चार होत, पांच होत, छह होत, साढ़े तीन को मतलब क्या? देवर जायता तुम बात जानते ना हो लेडी जन की? जानते ना, बताओ। जैसे तुम्हारी किस्म दांत गिर गिरा है, खट्टे मीठे पे मन चले। अच्छा, तो सबसे पहले छोटे से कौर खाती तो सीधे बाई में जाते, यानी तुम्हारे पेट में है। हाँ। जैसे तुमने कौर तोड़ू और तुमने कौर तोड़ के मुंह में दाऊ। हाँ। अब वो सारो पेट में बैठू मारे, जैसे मास्टर बैठे रहे थे। अब मारे बैठो, जैसे तुमने कौर दवाई के मुंह में जाते। हाँ। अंदर पेट में। हाँ। खर्चा बता कितना है? खर्चा कम से कम दे पर एक बोरी तो पिसो भाव आटा हुए, दो बोरी और एक कट्टा आलू हुए, दो कट्टा और थोड़ो सो फूलो मटरा होए। कितने? पांच किलो लो तो मटर होए। दस किलो? और देवर आधी किलो हत्ती, और आधी किलो धनिये, और आधी किलो गरम मसालो, और सूखी हरी शिमला, तीनों तरह की मिक्स करके तीन किलो मिर्चे होए। तीन किलो मिर्चे? हाँ भैया, ए वो आया देख, मिच्चे होती गरम, दलाई चाचा रुपये दे, मिच्चे होती गरम। एक दिन हम लाए, हमारा बाजार पड़ता धुमरी, पांच किलो मिच्चे लाए, एक किलो आलू लाए। हमने अपनी भैया मानिस गई, उन्हें चरपटे करके अच्छे बनाना, पाना का करो, पांच किलो मिच्चे एक किलो आलू सब होते लाए। मिर्चे माने जब बनाई सब्जी, और जैसे हम खान बैठे, खान बैठे सीकरा भत्त जाए, हम ऐसे तैसे मने ऐसे तैसे खेत ले पाओ, खेत में जाए पता कैसे करें, देख मिर्चे होती गरम, मिर्चे खाना कम, अनचर का तो फर्क। देवर तीन बूंद तेल, तीन बूंद तेल बस तेरी कराई है चिकनी हुई है ये। हाँ भैया, आ रही है, हमारे 200 रुपए आए हैं ओमपाल और उपेंद्री, हमारे नौली निवासी, ये हमारे 200 रुपए से पुरस्कार करते हैं, पंडित धन्यवाद देती है। क्या बता तेरी कराई है चिकनी हुई है? थोड़ो खाती गर्मी पत गैस बंद मिलावट आते तेल में। तेल कौन सा लिया है? कौन सा पीलो लिया है? कारे सफेद भैया, कारे सफेद तो मैंने देखे ना आज तक। पीरो जानते? पहले बताओ सफेद कैसे हो? सफेद ना जानते ना, सफेद हो तो खेत ना भैया तिली भाई आते है, तिली भाई का जब बड़ी हो तो पानी लगा के, जब बड़ी हुई तो बाप कौन सी आत, कौन सी आत, जब ही घाम पत तो मो फाज जा दे भरियात, काटो पल्लिया बिछाओ हला के, और तुरंत जाए स्पेल लपे प्रलाओ बस बहुत सपेते। अगर वो कैसा होता कारो तेल, जनरेटर खोते काली भैया बना दे, नहीं जय जय सरसों वालों, सरसों को। हाँ। भाई मैं रख दो सब बना खाना पीना। अरे पतरी पतरी करे फुलकिया, सुन भैया दार रांदे लई कारी रे, चौका में भाइयों, इधर मैत्रानी अच्छी प्रकार से भोजन को तैयार करती है, इधर शुक्र शनिचर मेहमान बन के आते हैं और सारा भोजन खा जाते हैं, ताक में दो लड्डू रख जाते हैं, और इधर मेहतर अपने काम निवृत्ति से वापस होकर के आ रहा है, और किस तरीके से आगे वार्तालाप है मेरे प्यारे भाइयों। इधर बेहतर मेला से लौट करके आ रहा है,
आजा भैया। ए अजब सिंह आ जा।